तिब्बती भिक्षु हर हफ्ते कई घंटों तक ध्यान करते हैं। अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति उनकी भक्ति उन्हें ध्यान के अभ्यास में विशेषज्ञ बनाती है। पता चला कि उन विशेषज्ञों के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है कि निरंतर ध्यान मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रहें। ध्यान और ध्यान जागरूकता और केंद्रित ध्यान की एक उच्च स्थिति को प्रेरित करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि अभ्यास तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है, साथ ही चिंता का प्रबंधन, सूजन को कम करने और स्मृति और ध्यान में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। ऐसे आश्चर्यजनक परिणामों के कारण कई डॉक्टर विभिन्न विशेषज्ञताओं में ध्यान को उसी तरह निर्धारित कर रहे हैं जैसे वे अवसाद रोधी या रक्तचाप की दवा देते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ध्यान इतने सारे स्वास्थ्य लाभ कैसे प्रदान करता है। यही कारण है कि कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के एक न्यूरो इंजीनियर बिन्हे ने तिब्बती भिक्षुओं के मस्तिष्क को देखने का फैसला किया। पिछले अध्ययन में उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने देखा कि ध्यान के अनुभव वाले व्यक्ति अपने दिमाग से कंप्यूटर कर्सर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम थे उन लोगों की तुलना में जो इसके बिना थे। चूंकि तिब्बती भिक्षु अपने जीवन के कई साल ध्यान के अभ्यास में बिताते हैं, इसलिए वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या मस्तिष्क की सक्रियता में कोई महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है जो इस बात का संकेत दे सकता है कि ध्यान इतने सारे लाभकारी प्रभावों की ओर कैसे ले जाता है। हम तिब्बत गए और उन भिक्षुओं के मस्तिष्क में गतिविधि को मापा जिन्हें औसतन 15 साल का ध्यान का अनुभव था, 5 से 35 साल के बीच, उन्होंने कहा। फिर हमने उन परिणामों की तुलना उन मूल तिब्बतियों से की जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया था। इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी ईईजी का उपयोग करते हुए मस्तिष्क की गतिविधि को मापने के लिए खोपड़ी पर लगाए गए इलेक्ट्रोड की एक श्रृंखला, उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने पाया कि दीर्घकालिक सक्रिय ध्यान अभ्यास डिफॉल्ट नेटवर्क में गतिविधि को कम करता है। यह मस्तिष्क नेटवर्क है जो आराम करने वाले मस्तिष्क से जुड़ा होता है, बस अपने दिमाग को बिना किसी विशेष लक्ष्य के भटकने देना, और इसमें औसत दर्जे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जैसे मस्तिष्क क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि एक भिक्षु जितना अधिक समय तक ध्यान करता है उसकी गतिविधि में उतनी ही अधिक कमी आती है। ऐसा लगता है कि आप जितना अधिक समय तक ध्यान करेंगे आपका मस्तिष्क उतना ही बेहतर तरीके से आत्मनियमन करेगा, उन्होंने कहा। आपको आराम करने के दौरान उतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है और आप खुद को अधिक आसानी से अधिक आराम की स्थिति में ला सकते हैं। उनका सुझाव है कि ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क द्वारा संसाधनों के उपयोग के तरीके को अनुकूलित करने में मदद करता है। ओरेगन विश्वविद्यालय के अग्रणी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट माइकल पॉसन, जिन्होंने सबसे पहले यह रेखांकित किया कि मस्तिष्क की ध्यान प्रणाली कैसे काम करती है, कहते हैं कि यह समझ में आता है। युआन टैंग के साथ उनके अपने काम ने श्वेत पदार्थ या तंत्रिका तंतुओं में अलग अलग परिवर्तन दिखाए हैं जो ध्यान अभ्यास के साथ मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ अधिक कुशलता से संवाद करने की अनुमति देते हैं, जो कि मस्तिष्क के एक हिस्से पूर्वकाल सिंगुलेट के आसपास होते हैं जो ध्यान के प्रबंधन में बहुत अधिक शामिल होता है। डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, एक विशेष प्रकार की न्यूरो इमेजिंग तकनीक का उपयोग करते हुए पॉसन और उनके सहकर्मियों ने पाया कि नियमित ध्यान अभ्यास के कुछ ही हफ्तों के बाद माइलिन का स्तर बढ़ गया, जिसे कभी कभी मस्तिष्क इंसुलेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह बढ़ा हुआ इंसुलेशन विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों को तेजी से और अधिक कुशलता से संवाद करने देकर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क में ध्यान का एक प्रमुख नोड है और हम अभ्यास के केवल 2 से 4 सप्ताह के बाद ही इन परिवर्तनों को देख सकते हैं, उन्होंने कहा। वे परिवर्तन विभिन्न कार्यों में बेहतर ध्यान से जुड़े हैं, और चूंकि पूर्ववर्ती सिंगुलेट का लिम्बिक सिस्टम या भावनात्मक प्रणाली से बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान मूड को बेहतर बनाने और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। ऐसे परिणाम विशेष रूप से आशाजनक हैं, क्योंकि पॉसन के अध्ययन में प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए तिब्बती भिक्षुओं के एक समूह में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिभागियों ने 5 दिनों में ही ध्यान और समस्या समाधान को मापने वाले कार्यों में सुधार किया। पॉसन ने कहा कि उन्होंने कोर्टिसोल में भी कमी दिखाई, जो एक हार्मोन है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के तनाव के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। बेहतर संज्ञानात्मक कौशल और कम तनाव के स्तर को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हेल्दी माइंड्स के संस्थापक रिचर्ड डेविडसन कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे तंत्रिका विज्ञान अध्ययन ध्यान के लाभकारी प्रभावों के पीछे तंत्रिका तंत्र को स्पष्ट कर रहे हैं।
वे कहते हैं कि कुल मिलाकर इस बात के पुख्ता सबूत है कि नियमित लगातार ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क को बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है और विस्तार से आपके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को भी। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आपका प्राथमिक देखभाल प्रदाता आपकी अगली वार्षिक जांच में माइंडफुलनेस तकनीकों का उल्लेख करना शुरू कर दे। ध्यान आपके मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभदायक है, इस विचार का समर्थन करने वाले कई अध्ययनों के साथ। यदि आप अपने औसत तिब्बती भिक्षु के समान ही नियमित दिनचर्या अपनाने में सक्षम नहीं है, तो किस तरह का अभ्यास आपको ये लाभ प्रदान कर सकता है? प्रभाव पाने के लिए आवश्यक अभ्यास के प्रकार और मात्रा को समझने के लिए अभी भी बहुत सारे शोध किए जाने की आवश्यकता है, और यह संभवतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। और ऐसा करने के इतने सारे तरीके हैं, कार्यशालाओं से लेकर स्मार्टफोन ऐप तक। डेविडसन कहते हैं कि सबसे अच्छा प्रकार का ध्यान वह है जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसे व्यक्तिगत मानसिक स्वच्छता के रूप में सोचें, लगभग दांत ब्रश करने जैसा, उन्होंने कहा। मनुष्य दिन में दो बार अपने दांत ब्रश करने के लिए विकसित नहीं हुए, यह एक सीखा हुआ कौशल है। आपका मस्तिष्क आपके दांतों जितना ही कीमती है, इसलिए अभ्यास सीखने और उस पर टिके रहने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं, और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।